आगामी 20 फरवरी को हो रहे तीसरे चरण के मतदान से पूर्व चुनाव प्रचार के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी अपनी ताकत का एहसास कराया है। जनपद मैनपुरी की चारों विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है। खासकर करहल विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रोड शो कर क्षेत्रवासियों से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे हैं। रोड शो के दौरान रथ पर सवार पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, विधायक सोरवन सिंह यादव आदि तमाम सपा नेतागणों को करहल के तमाम दुकानदारों, नागरिकों, समर्थकों ने फूल मालाएं, पगड़ी, टोपी आदि पहनाकर सम्मानित करते नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर अपनी सीट को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंप कर महान त्याग करने वाले विधायक सोरवन सिंह यादव का भी सपा नेतागणों ने रोड शो के दौरान अभूतपूर्व स्वागत किया। नेतागणों ने कस्बा करहल के किशनी चौराहे पर स्थापित स्वर्गीय नत्थू यादव की प्रतिमा पर फूल मालाएं पहनाई वो आशीर्वाद प्राप्त किया। रोड शो के समापन पर सभी सपा नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी 20 तारीख को सपा के पक्ष में 100% मतदान करने, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील की है। और सम्मान हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा कर देना, ये हमारी करहल वालों से अपील है। लोगों से चुनाव जिता देना, ये बीजेपी के लोग जिन्हें पता है कि परिणाम क्या होने वाला है, ये परिणाम की डर से तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन मैं अपने समाजवादी लोगों से कहूंगा, अपने बुजुर्गों से, अपनी माताओं से, बहनों से, नौजवान भाइयों से अपील करूंगा, शांतिपूर्वक और ऐतिहासिक मतदान करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस देश की सबसे बड़ी जीत दिलाने का काम कर देना। अब की बार आप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय अखिलेश जी को वोट देने जा रहे हो, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप चुनाव नहीं पूरा करके चुनाव प्रक्रिया में हम लोगों ने सब लोगों से वोट मांगा, यहाँ ये पूरा करते हैं। आप सबसे अनुरोध करते हैं, आप लोगों से सबसे अनुरोध करते हैं कि सभी लोग सम्मानित साथी अपनी अपनी पोलियों पर जाएंगे और कल उन्हें ही सजाएंगे, संभारेंगे। पूरी व्यवस्था के अनुसार गांव के हर आदमी को हम लोग मिलेंगे और 20 तारीख को एक एक वोट समाजवादी पार्टी और साइकिल के पक्ष में डलवा के 10 मार्च का इंतजार करेंगे, तब तक ये सरकार के पैर डिगमगा जाएंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ, आभार व्यक्त करता हुआ, जय हिंद।